हम जा रहे हैं, डैड इज टेकिंग अस टू द ज़ू। शेर भी है, शेर। अगर ये शेर ने फंसा दिया ना, फंसा लेके तो सीधे नीचे गिर। मुझे मिली है अपने जैसी ब्यूटीफुल बर्ड। भाई साहब, यहाँ पे हमें मिल गई है अपनी मफिन की खाला। अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पे तो ऊंट ही नहीं है। कौन फैला उसका? मुझे लगता है यहाँ पे हमला हो गया। कैसे हैं आप सब? मुझे देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने कमरे के अंदर खड़े होके फैन भी लगाया हुआ है, ये टोपी भी, ये ग्लासेस भी। इस फैन की एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर लें। और ये फैन असल में मुझे यूनिवर्सिटी रिक्शे में जाते हुए बहुत गर्मी लगती है, और ये मैंने अपने अबू जान से कहा था कि मुझे गाड़ी ले दें ताकि मैं गाड़ी में बैठ के यूनिवर्सिटी जा सकूं, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने मुझे ये पंखा ला के दे दिया। ताकि इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, मुझे रिक्शे में जाते वक्त गर्मी ना लगे। लेकिन ये पंखा है बड़े काम की चीज़। खैर, मैंने टोपी शोपी पहनी हुई है, क्यों धूप से बचने के लिए पंखा लगा लिया गर्मी ना लगे। आज हम जा रहे हैं, डैड इज टेकिंग अस टू द ज़ू टुमारो। आज हम ज़ू जा रहे हैं और अब हम आपसे मिलेंगे ज़ू जाके। फाइनली अब हम लोग ज़ू में पहुंच चुके हैं और टिकट्स वगैरह लेके अंदर आ गए, लेकिन आज यहाँ पे इंतहा का रश है। ज़िक्रिया रश में अपना मुंह छुपा रहा है ब्लॉग से, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ज़िक्रिया इधर देखो, ज़ू में ब्लॉग ये आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल नेवला बैठा हुआ है जिसने नागिन ड्रामे में रूप बदले। ये नेवला है जिसने नागिन ड्रामे में रूप बदले थे। नागिन ड्रामे में ये वो वाला नेवला, ये देखिए। मैं कह रहा हूँ लामा बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। लामा इतना गंदा पानी है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। जानवरों के लिए पानी तो साफ रखना चाहिए। अब किधर जा रहे हैं? अभी हम यहाँ पे ऊँट ढूंढने लगे हैं ताकि ऊँट के ऊपर ज़िक्रिया को बिठा सके। वैसे ऊँट के ऊपर खोते का कॉम्बिनेशन तो बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी ऊँट के ऊपर ज़िक्रिया को बिठाना है भाई। यहाँ पे अंदर शेर भी है, शेर। वो रहा, वो आपको नज़र आ रहा है? वो अगर कैमरे में वो बैठा हुआ, वो देखें। सोचने वाली बात ये, अगर ये यहाँ से बाहर आ गया तो फिर क्या होगा? अच्छा, हमको शिकार ही आया है। वैसे आ सकता है, जितनी जगह है ना, ये देखें, यहाँ से ऊपर से टाप के आ सकता है, लेकिन इनको लगता है कि नहीं आएगा, तो फिर शायद नहीं आएगा। खैर, मुझे लगता है जैसे सो रहा है ना, गर्मी के मारे मर ही गया है बेचारा। ये देखें हिलो हिलो हिलो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अगर ये शेर ने फंसा दिया ना, फंसा लेके तो सीधे नीचे गिर गया। गाइस फाइनली ये भालू है। कैसा लग रहा है आपके भालू देख के? बिल्कुल मोटा मोटा है, ये आप देख सकते हैं। तुम्हें पता है, कभी भी बचपन में ज़ू नहीं आई, तो आज मैं आके अपने सारे शौक पूरे कर लूं। ज़िक्रिया फोन गिर जाएगा। एक मुझे भी दो, मैं भी खिला लूं। ये लो खा लो। ओ भाई, खा गया वाकई खा गया। चलाओ जी, इधर। भाई ये तो खा गया, मेरे हाथ से भी खा गया। ज़िक्रिया मैंने इधर, ज़िक्रिया मैंने उसको खिलाया। अच्छी बात है, ये एक और है। क्या एक और है? जानवर क्या बड़ी धूप दी है सीधा। यार ये बहुत क्यूट है यार, ज़िक्रिया है ये बड़ा क्यूट है। तेरे में और इसमें कोई खासी फर्क नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अच्छे यार, जानवर बहुत फ्रेंडली हैं। कैसे लग रहे हैं जानवर? बहुत फ्रेंडली हैं। वो देख, वो बच्ची के पीछे पीछे आ रहा है वो खाने के लिए। ये
बात है जी, वो देखो कितना क्यूट है, वो उसके पीछे पीछे आ रहा है कि मुझे ये खिलाएगी। पोटैटो स्टिक्स खाने हैं। इनकी और मेरी चॉइसेस ऑलमोस्ट सेम है ना। फाइनली अच्छा मुझे बताओ तुमने क्या कह रही थी तुम अभी। यार मैंने ऊंट की सवारी करनी है। ऊंट की सवारी मेरा ख्याल से यहाँ पे नहीं है। तुम फोन कैमरा ऊपर करो, तुम्हारी नाक कट जाती है हर ब्लॉग में। क्या नाक कट जाती है जिराफा की तरह, तुम्हारा मुंह इतना लंबा है। और वो उधर मेरा हाथ से जिराफा है, उसे भी लिया है। ऊंट नहीं होगा यहाँ पे, इधर इधर नहीं है ना। ये न्यू घर मैंने बनवाया है, ऊंट की सवारी करनी है। और भाई ये न्यू घर है ना, इस पे जाकर वो अब ये नया घर बना रहे हैं शहर के लिए। अभी वो देखे हैं रात कुमार रहेगी, दिन में यहाँ रहेगी। मंजूर है तुम्हें यहाँ पे रहना? ऊंट की सवारी करनी है। ये पागल हो गई, अब हम आगे जाके मिलते हैं। आए हुए ना आधा घंटा भी नहीं हुआ और इसकी डिमांड शुरू हो गई है। क्या डिमांड है आपकी? आइसक्रीम खानी है। पैसे दे मैं भी खाऊं? हमारे पास पैसे है मम्मा ने। मेरे पास एक तो मुझे पता ही नहीं मेरे पास पैसा कितना रखवाया हुआ है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं ऊंट ढूंढने, लेकिन आओ मेरे साथ ऊंट ढूंढने। मुझे मिली है अपने जैसी ब्यूटीफुल बर्ड, ब्यूटीफुल बर्ड। यहाँ पे इतने कोई प्यारे चूहे हैं ना कि देख के बंदे का दिल करता बंदा खुद घर में चूहे रखने शुरू कर दे। ये देख सकते हैं यार, ये एक किसी चूहे के ऊपर ना फोकस होना चाहिए। कैसी फील आ रही है आपको जुआ के? बहुत ही बचकाना फील आ रही है मुझे। बचकाना फील? तुम कौन से 25 साल के हो गया जो तुम्हें बचकाना फील आ रही है? मुझे तो 20 की होके नहीं आ रही। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपनी 21st बर्थडे का थंबनेल ऐड किया था, हाँ भाई 21, लेकिन अभी फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं कुछ और एक्सप्लोर करते हैं जू। लेकिन बचपन में हमें इतनी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हम इतना देख नहीं सके, लेकिन अब तो हमें पता है, अब तो हम देख सकते हैं। भाई साहब यहाँ पे हमें मिल गई है अपनी मफिन की खाला। क्या यार ये मफिन की खाला है? खाला नहीं है, पापा होगी। पापा नहीं है उसकी खाला है, मुझे लगता है शेरनी है। शेरनी मिल गई है यहाँ पे, आजा मिलवा के लाऊं तुझे उससे। यहाँ पे एक चीज़ जो है ना पूरे जू में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि अगर यहाँ पे लोग इस चीज़ को समझना शुरू करते हैं। ये जब जानवरों ने शहर के अंदर बंद किया तो बाकी सारे जानवरों ने शहर के ऊपर हंस रहे हैं। बेटा आप जैसे लोग यहाँ बहुत से ऐसे तंग करते हैं, ये उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आप जानवरों की जगह पिंजरे में कैद होते हैं तो फिर आपके ऊपर क्या होता है। और जिक्रिया आ गया है शेर हाउस में, लाइन हाउस जू में। तो अब यहाँ पे आके देखते हैं क्या आप एक्साइटेड हो। अजीब कसम से ये बंदा है यार, मैं इसको यहाँ शेर दिखाने लाई हूँ और ये अपने मतलब की चीजें देख रहा है। आपको लगता है कि उसको आपकी बात समझ आएगी? देखो आवाज़ें ऐसे मार रहा है जैसे इसको लग रहा है कि उसको इसकी बात की समझ आ जाएगी। वो तो बेचारा उठा नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ उसके पैर नज़र आ रहे होंगे आपको भी, अभी तक सो ही रहा है बेचारा। अभी आगे चल के देखते हैं और क्या मिलता है। अभी इसलिए कह रहा है कि ऊपर की साइड पर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है। इस पूरे जू में ना एक चीज़ का जिस चीज़ का फ़ायदा हुआ है ना वो ये फ़ैन है, इसकी वजह से अभी तक जो है इंसान चल सकता है, अभी तक कायम है। यहाँ पे यार वाकई बहुत अच्छी जगह है अगर छोटे बच्चों के साथ आया जाए। वैसे मैं एक्सप्लोर करने इसलिए आई हूँ। मतलब भाई साहब को गुस्सा आ गया, मैं उनका ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पे तो ऊंट ही नहीं है। खैर अब चलते हैं और कोई चीज़ देखते हैं जो मिल सके,
जिसका हम आसानी से कैप्चर कर सकें। मैं यहाँ पे बेसिक जिस चीज़ के लिए आई थी ना वो ऊंट है और वही नहीं मिला। ऑलमोस्ट शाम का वक्त हो गया है और अब यहाँ पे अंधेरा हो गया, लोग निकलना शुरू हो गए हैं। अगर आपने यहाँ पे आना है ना तो मॉर्निंग टाइम पे आए, वो सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और अब यहाँ से लोग उठ के निकलना शुरू हो गए हैं। हमारी गलती ये है कि हम आए ही बहुत लेट हैं। हम आए उस टाइम पर जिस टाइम पर क्लोजिंग होने वाली है, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर कर लिया। मैं और ज़िक्रिया फाइनली पहुँच चुके हैं स्नेक हाउस, जो हम जब से ज़ू एंटर हुए हैं तब से ढूंढ रहे थे। आप लोगों ने आज कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी ये ग्लासेस मुझ पर कैसी लग रही है। वैसे मैं ब्लॉग ग्लासेस पहन के नहीं बनाती। तो ये रहा स्नेक हाउस, चले हम अंदर चलते हैं। अंदर चल के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर छोटे छोटे से स्नेक्स देखने का मिलते हैं। हाँ ये कोई 5-7 हैं ये, और वो एक है और ये पॉपकॉर्न खा रही है। बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और ये इधर आ, ये सबसे बड़ा सांप, ये सबसे बड़ा सांप है। मैं आपको दिखाता हूँ एक और बड़ा सांप जो कि अभी उठा भी हुआ है। ये उठा हुआ है ना, उठा हुआ है, ये जाग रहा है। और एक ये भी है, ये देखो ये सबसे करीब है, इधर आओ। हाँ इसमें काट लें। और ये लास्ट सांप है एक, हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है। इन्होंने एक ही पिंजरे में 10-12 रखे हुए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक जूम नहीं हो रहा ना इस पे, मसला ये हो रहा है लेकिन क्लियर नहीं आ रहा। ये सबसे अच्छा तुम्हें कैसा लग रहा है, सबसे बड़ा सांप? इधर देखो सबसे बड़ा सांप कैसा लग रहा है यार। तुम ये सोचो उसकी सिर्फ लेंथ देखो कि वो कितना लंबा है। अब हम एक्सीडेंट होने लगे हैं, एक्सीडेंट हो गया। कौन पिला उसको? बोतल पिला दे यार उसको। डीयू नहीं पीनी आपने? ये लो तुम पी लो। खैर हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा घूम फिर लिया, अब हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से आपने भी ब्लॉग में आना है। आ जाओ, आप आ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। चलो मेरे सब्सक्राइबर्स को कॉल कि मेरा चैनल हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहो कहो ना, वैसे तो इसकी मेरे साथ दोस्ती हो गई है। मैं इसको कह रही हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स को कहो कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहो ना यार, कह दे यार, तेरा क्या जाना है। खैर अब घर चलते हैं यार, शाम हो गई और अब हम बहुत थक गए हैं। बाय बाय। यही शॉप क्या ले रहे हो? क्या ले रहे? मैं तो कुछ भी नहीं लेके दे रही। मफिन के लिए कोई टॉय ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए वो चूजा मफिन, मफिन को बहुत पसंद है। दिखा कितने का है, पूछ कितने का है। 200 का चूजा चाहती हूं। अंकल क्या कितने का मिलेगा? 200 तो अंकल बहुत महंगा है। 200 फाइनल है, 200 का इससे कम नहीं है। 100 का दे दें। 100 वाली नहीं है, 150 150 ये कितने की है? 100 रुपए की स्लैम। यार ये मफिन को पसंद तो बहुत आएगा, लेकिन अब 200 रुपया तो ये बहुत महंगा है। ले लें ये 200, चलें 150 ले लें। इन दोनों का 250 ले लें। क्या 250 ले लें? चलेगा 150 काट लें। जिक्रिया चला के देख क्या चल रहे हैं। अरे हाँ ये मफिन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के, बहुत सारी। चल यार मैं थक गई हूँ यार, जोर से पका यार। मैं थक गई हूँ यार, मुझसे और नहीं चला जा रहा। पता नहीं हमारा गेट किधर घूम गया यार। जिक्रिया तो लगता है यहाँ पे हमला हो गया, यहाँ पे सब आवाज़ें निकाल रहे हैं, लगता कोई शेर बाहर निकला है। मैंने मना किया था ये सेफ जगह नहीं है। वी, वी, ये क्या हो रहा है। वी। जब हम फाइनली यहाँ से बाहर आ चुके हैं और अब घर जा रहे हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस यकीन माने बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत फ़नी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आप लोग आ सकते हैं, अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। तो खैर अब मिलेंगे आपसे दोबारा घर जाके। 2000 years later.
तब फाइनली हम लोग जो मफिन के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, अब वो उसको दिखाते हैं और देखते हैं क्या उसके पीछे भागता है क्या नहीं। मामा इधर आए, देखे मफिन के लिए गिफ्ट लाए हम। भी डर लग रहा है, वही गई है उसके पास। मेरी असली है नकली है? उसको लग रहा है चिकन है। वो खोल गया से। वो मम्मी ढाल के बाहर अंदर लेके जा रही है। मामा मफिन को इतना पता है कि ये चूजे है और इस सिकरिया के घर में इतने इतने चूजे रह गए तो खा जाएगी। अल्लाह कितनी चलाक है गाइस, कितनी चलाक है। बिल्कुल माँ पे गई है, बिल्कुल माँ पे। गाइस फाइनली हम लोग वहां से आके सो गए थे। जिक्रिया तो काफी देर सोया रहा और मैं भी सो गई थी। सो के उठी हूँ तो अब सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, तो बस नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। अब खाना वगैरह खाते हैं। ये आप देख सकते हैं खाना, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जिक्रिया साहब हमेशा से मम्मी डैडी बच्चा, आप कढ़ाई नहीं खा सकते भाई? सागर फूड पॉइंट सब फ्री प्रमोशंस है। तो अब खाना शाना लग चुका है देख के। तो अब हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मम्मा ने उसका चिकन जला दिया, वो बेचारी देखो कैसे तले ले लिया, वो देखो ना। इसके भी चिकन का कुछ करते हैं। तो फाइनली हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग फॉर अमेजिंग कंटेंट ओनली ऑन ZS व्लॉग।